अस्सलामुअलैकुम, मैं सुरनिसा, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अफगानी चिकन ग्रेवी, जो कि बनाना बिल्कुल ही आसान है। ये ग्रेवी मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी माशाल्लाह। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो चिकन लिया है विद बोन, देख सकते हैं। इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसका सारा पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा नमक लिया है और ये एक अखा नींबू है। सबसे पहले मैंने चिकन को बाउल में डाल दिया, उसके बाद नमक और ये एक बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर हमने नींबू को हाथों की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ लिया और वो भी इसमें ऐड कर दिया। फिर सारी चीजों को मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। यहाँ सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ा मिक्सी जार लिया है, ये 2 प्याज है मीडियम साइज के, इसे मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया। अदरक इसे भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है, ये 2 इंच अदरक था। लहसुन की कलियां, ये हरी मिर्चें हैं 5 से 6, तीखा आप आपके जायके के मुताबिक लीजिए। मुट्ठी भर पुदीना के पत्ते, मुट्ठी भर धनिया के पत्ते और ये 5 से 6 काजू है, जिसे इसका फ्लेवर ग्रेवी का बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। सारी चीज़ों को मैं इस मिक्सी के जार में ऐड कर दे रही हूँ और इसका हमने एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, बस आप देख सकते हैं। मैं अब इसमें तकरीबन 150 ग्राम दही ऐड कर रही हूँ और इसे भी इसी के साथ ग्राइंड कर लूँगी। बस हल्का सा ग्राइंड करना है हमने ताकि सारी चीज़ें अच्छी से मिक्स हो जाए। यहाँ पेस्ट रेडी करने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है ये। अब इन सारी चीज़ों को मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। ये फ्रेश क्रीम है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसे भी मैं इसमें मिक्स करने जा रही हूँ। क्योंकि ये 1 किलो चिकन है इसलिए मैं यहाँ सारी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमने इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ हमारी सारी चीजें मिक्स हो चुकी है चिकन के साथ अच्छे से। अब मैं इसे 1 घंटा मैरिनेट होने के लिए रख दे रही हूँ। यहाँ चिकन को मैरिनेट होते 1 घंटा हो गया, तो मैंने यहाँ चूल्हे पर एक पैन रख दिया है ऑयल डालकर। ऑयल भी तकरीबन गर्म हो चुका है, तो अब स्टेज पर मैं इस चिकन के पीसेस को ऐड करने जा रही हूँ फ्राई करने के लिए। उसमें लगानी नहीं, इस तरह से झाड़ झाड़ कर हमने ऐड करना है इस तरह से। हमें हाई फ्लेम पर ही बनाना है। सारे चिकन के पीसेस को मैंने डाल दिया है। यहाँ सारे चिकन के पीसेस पक रहे हैं अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। अब स्टेज पर मैं इसे टर्न करने जा रही हूँ। सारे चिकन के पीसेस को हमने टर्न कर लेना है।
यहाँ मैंने सारी चिकन को अच्छे से टर्न करते हुए पका लिया है। आप देख सकते हैं सारी चिकन का कलर कितनी अच्छी तरह से आया हुआ है। और हमने इसे फास्ट फ्लेम पर ही फ्राई करना है, स्लो पर नहीं। ये तकरीबन 50-60% पकी हुई है, बाकी ग्रेवी में पकेगी। मैंने इन सारे चिकन्स को एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया, क्योंकि मैं किसी ऑयल का इस्तेमाल करने वाली हूँ ग्रेवी में। यहाँ मैंने सारे चिकन को इस तरह प्लेट में निकाल दिया। अब किसी ऑयल का इस्तेमाल मैं ग्रेवी बनाने में करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं इसमें मसाले लगे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, ग्रेवी पे इसका भी फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ मैंने पैन को हटाकर एक कढ़ाई रख दी, जिसमें मैं ग्रेवी रेडी करने वाली हूँ, और फिर से गैस के फ्लेम को हाई कर दिया। फिर मैं उसी ऑयल को इसमें ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में। ये ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 से 4 लवंग लिए हैं, 5 से 6 हरी इलायची है, और ये 10 से 15 काले मिर्चे हैं। इसमें मानी रही, इसे मैंने ऑयल में डाल दिया। मसाले तड़कने के बाद हमने इसमें हमारा ये जो पेस्ट बचा हुआ है, इसे भी आहिस्ता से इसमें ऐड कर देना है। मसाले बच जाए इसलिए इसे अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, और मैं इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भी अच्छे से, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैंने इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है। आफ्टर 3 मिनट मैंने लिड को खोल दिया। थ्री मिनट्स के बाद ग्रेवी कुछ इस तरह से पककर रेडी हुई है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। डिश पर हमने इसमें फ्राई चिकन को ऐड कर दिया, स्लोली एहतियात से। यहाँ मैंने सारे चिकन के पीसेस को इस पर ऐड कर दिया है, और सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर मैंने इसमें ये 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर है, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, हमने इसमें ऐड करना है। नमक, नमक एहतियात से, क्योंकि हमने पहले चिकन में भी मैरिनेट के वक्त ऐड किया था। थोड़ी सी हल्दी, ये कसूरी मेथी है, इसे मैंने भून के रखा हुआ था, इसे भी मैं हाथों की मदद से क्रश करके डाल रही हूँ। इंशाल्लाह आपको मेरी ये अफगानी चिकन की ग्रेवी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, पकने के बाद इसका जायका इतना ज़बरदस्त हुआ था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये इतने इजी तरीके से अपने घर में बनाया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे पका लेना है। चिकन तो ऑलरेडी 50-60% तक पक चुका है, अब इसे सिर्फ ग्रेवी के साथ पकना बाकी है। यहाँ मेरी ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है, तो मैं इस स्टेज पर इसमें 1/2 कप दूध ऐड करने जा रही हूँ। आप इसकी जगह पे गर्म पानी भी डाल सकते हैं। अब ये इसके साथ अच्छी तरह से पकेगी। तकरीबन हमने इसे 10 से 12 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है, मैंने यहाँ दूसरे चूल्हे पर एक कोयला रख दिया गर्म होने के लिए। इसे मैं एक स्मोकी फ्लेवर देने वाली हूँ। यहाँ कर दिया मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ, और अब हम अपनी ग्रेवी को चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, कितनी बेहतरीन ग्रेवी बनकर तैयार हुई है ये। इसे मैंने
12 से 13 मिनट तकरीबन स्लो फ्लेम पर बनाया है। ये जबरदस्त ग्रेवी बनकर तैयार हुई है ये, और इसकी खुशबू तो इतनी लाजवाब है और इसका जायका भी खाने के बाद इतना बेहतरीन है कि आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। यहाँ मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया और ज्यादा इसका जायका बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ इस तरह से बीच में एक कटोरी रख दी और इस कोयले को इसमें रख दिया। थोड़ी सी बटर को मैंने इसमें ऐड कर दिया और फिर से लीड को लगा दिया इस तरह से। इस तरह से एक छोटे से पेपर को मैंने लिया और इस तरह फोल्ड कर दिया और इस पर लगा दिया ताकि हमारा स्मोक बाहर नहीं निकले, पूरा अच्छी तरह से हो जाए। इसे बस हमने 1 से 2 मिनट रखना है, उसके बाद मैं इसे निकाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं जा रही हूँ खोलने ढक्कन। माशाल्लाह, ये जबरदस्त ग्रेवी बनकर ये तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं डिश आउट करने जा रही हूँ अफगानी चिकन ग्रेवी को। इसी तरह की इजी और डिलीशियस रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये अफगानी चिकन ग्रेवी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।